मेरे ऊपर व्यापारिक चरित्र दाग कभी नहीं लगेगा, तरा कतरा बिक जाएगा लेकिन व्यक्तित्व कभी धूमिल नहीं होगा। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं भीड़ की वजह बना रहूँ, इतिहास लिखा जाएगा। उसे सीखा भी गया है, सीखा भी गया है, और उसकी भरपाई जब चाहे तब हो जाएगा, जब चाहे तब। इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है। किसी पॉलिटिकल के साथ हम कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, किसी के साथ कोई निवेदन नहीं होता है। जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं या जो भी लोग हमसे उम्मीद करते हैं, उसमें आज तक किसी को ना नहीं हुआ है और ना होगा। मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ कि आप इसे कर पाएंगे। उनका जवाब जो है बातों से नहीं दिया जाएगा। जो चैलेंज करते हैं, मार्केट में आप कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा सा भी काम कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ हैं और चुनौतियाँ रहेंगी। तो मेरे हिसाब से चुनौती बनी रहनी चाहिए। आज एक खास मुलाकात समाज सेवी कृष्णानंद राय जी के साथ। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे यहाँ आए हैं, दूसरी तीसरी बार स्वागत है। कि लोग कहते हैं कि राजनीतिक लाभ या राजनीति मुझे करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी अगर किसी ने कहा कि भैया आप आइए, आपके ग्राम सभा में भी पहली बार बुलाया गया था दंगल में, वहाँ भी गए थे। एक आध साल डेढ़ साल में चुनाव है पंचायत स्तर का, मैं उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो अच्छे होंगे, हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, तो पंचायत में मैच खेला जाएगा। अंपायर का भूमिका रहेगा, जो भी रहेगा, जो अच्छा आदमी रहेगा उसका नैतिकता के आधार पर सपोर्ट रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपना निजी लाभ हानि कोई नहीं है, पाँच साल में भी कोई निजी लाभ हानि नहीं रहा, और आगे भी जो चुनाव आएंगे या जो भी चीज़ें आएंगी, एक ही लक्ष्य है, बिजनेस फिलहाल यही है, आगे क्या देखते हैं क्या होता है। लोग कहते भी हैं, हम लोग जाते हैं कि प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग हैं, कृष्णानंद जी को आज लोग प्रॉपर्टी से ही जानते हैं कि ज़मीन हो या और भी जो आपका बिजनेस है। लेकिन जैसे आपने कहा ग्राम सभा की आपने बात की, लेकिन हर जगह जाते हैं। अगर मैं इस पार के लगभग जो भी गांव है वहां पे कृष्णानंद जी की उपस्थिति रहती है। हाँ, रामलीला ख़त्म हुआ, दशहरा ख़त्म हुआ, कृष्ण जन्माष्टमी ख़त्म हुआ, दशहरा पे जो दंगल का कार्यक्रम था वो हुआ, ऐसे भी मदद हो रही है। ऐसे नहीं है कि ऐसे मदद नहीं हो रही है। उसको मान लीजिए कार्यक्रम वहाँ रहता है तो सोशल साइट पे दिखता है, और इस तरह से भी चीज़ें मदद के रूप में हैं। जो न्यायिक रूप से परेशान हैं, जो चीज़ें हैं, उन लोगों को भी मदद हो रही है। एक हाल ही में आपको एक महीना के अंदर एक रिजल्ट मिलेगा, एक पीड़ित लड़का है, उस पर काफ़ी परेशान है, और न्यायिक स्तर से उसको न्याय दिलाया जाएगा। उस पर लगे हुए हमारी टीम भी लगी हुई है, और जुडिशली प्रोसेस में भी जो चीज़ें चल रही हैं वो भी लगी हुई हैं। तो इसमें कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं है, निजी लाभहानि नहीं है, ये एक तरह से मान लीजिए हमारा ह्यूमन नेचर है, जो स्वभाव है वही हो रहा है। अगर मैं कृष्ण जी आपसे बात करूं, एक बार पहले भी मैंने आपसे पूछा था तो आपने कहा कि सुशील कोई राजनीतिक मंच है या राजनीतिक व्यक्ति है, उसको हर रोज़ जाना पड़ता है। लेकिन इतना कलेजा कृष्णानंद जी का, मतलब कि कुछ भी नहीं है फिर भी मदद होती है। अगर मैं ऑन कैमरा पूछूं, मैं हर जगह जा रहा हूं, मैं देख भी रहा हूं, इसीलिए मैंने आज मैं कहूं कि मैंने कहा नहीं भैया मैं आ रहा हूं। हाँ, ये चीज़ें हैं, और इन चीज़ों का एक जो है उद्देश्य भी है। दूसरी बात यह है कि गंगा इस पार में ही कार्यक्रम चल रहा है, जो ग्राम सभा है। अब आपके ग्राम सभा में मैं पहली बार आमंत्रित था, क्योंकि परिचय वहाँ बहुत लोगों से है, और गया था, काफ़ी सम्मानित लोग आए थे, आप भी उपस्थित थे। जो जिस कार्यक्रम का सम्मान रहेगा अंतिम सांस तक, आपको पहले भी बता दिया हूँ, वो सम्मान दिया जाएगा। मेरे ऊपर व्यापारिक चरित्र दाग कभी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। कतरा कतरा बिक जाएगा लेकिन व्यक्तित्व कभी धूमिल नहीं होगा। इस बात से कुछ चीज़ें जल्दीबाजी में होती हैं लेकिन उससे सीखी जाती हैं, गलतियां होती हैं उससे सीखी भी जाती हैं, लेकिन दाग नहीं लगेगा। कुछ भी हो जाए अपना बचाव कर लिया जाएगा।
अगर कृष्णानंद जी मैं पूछूं आध्यात्मिक रूप से भी मैं देखूं आप मतलब कि बहुत ऐसा लगता है ना कि मतलब भगवान के प्रति एक अटूट श्रद्धा एक विश्वास ये होना चाहिए, ये सनातन में भी होना चाहिए। सनातन का ये संस्कृति का पहला अध्याय ही है इस तरह का। और ईश्वर के प्रति सभी धर्म में, हमारे धर्म में भी एक आस्था का सबसे पहला जो है जुड़ाव होना चाहिए। आस्था में आप सकारात्मक रूप से ईश्वर से जुड़े रहें, चीज़ें बेहतर रहती हैं। और सब कुछ ईश्वर हैं, ईश्वर ही शाश्वत सत्य हैं और ईश्वर के कृपा से सब ठीक चल रहा है। कृष्णानंद जी युवाओं में नाम है कृष्णानंद जी का, लेकिन अगर मैं जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए भी पूछूंगा, एज अगर कृष्णानंद जी से मैं बात करूं कि असफलता अगर कभी हाथ लगे उसे कैसे देखते हैं? देखिए युवाओं में जो है, हम भी युवा हैं लेकिन हम अपना विस्तार, पूरी उम्मीद है कि 2025 में एक नए तरीके से अपना विस्तार करेंगे, अपने व्यापार का, चीज़ों का एक बड़े स्तर से एक्सपेंसिव हो, विस्तार हो और अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कार्य को बढ़ाया जाए। क्योंकि जो पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, शादी विवाह का जो भी चीज़ें थी, जो भी चीज़ें थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं और एक कम्युनिकेशन गैप भी हो गया है। तो हमें पूरा उम्मीद है कि हम आने वाले समय में, नए सत्र में, एक डेढ़ साल दो साल मेहनत करके चीज़ों को और बड़ा बनाएंगे और चीज़ें बहुत व्यवस्थित होंगी, ये पूरी उम्मीद है और विश्वास है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ मैं भीड़ की वजह बना रहूँ, और हिस्सा बनने में आप जो है एक ही ब्रश से सब पॉलिश होंगे, थोड़ा धीरे चला जाएगा लेकिन सही चला जाएगा। और अभी राजनैतिक परिदृश्य में ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि नहीं राजनीति से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलेगा, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिलेगा तभी भी आप कर सकते हैं। आप अगर आप अर्न कर रहे हैं, आप ऊर्जा आपके पास है, तो कई ऐसे व्यवसाय हैं, कई ऐसे व्यवस्थाएं हैं जहां आप चीज़ों को कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और हिसाब से हो रहा है। अभी पॉलिटिकल का कोई इश्यूज नहीं है। अब परिवार को भी समय देना, ग्राउंड पर भी लोगों से मिलना, इससे कैसे आप समाजस बैठा लेते? एक साल मेहनत हुआ है, किसी को दिखा नहीं दिखा, किसी को दिखाना भी नहीं है, एक साल खूब मेहनत हुआ है और उसका रिजल्ट एक डेढ़ साल बाद भी बेहतर रहेगा। बहुत मेहनत हुआ है, जो टीम है, जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जो भी हैं, यह समझ लीजिए कि वो एकदम अच्छे हैं। उनके बारे में अब कुछ भी नहीं कहना है, नकारात्मकता वहाँ कहीं नहीं है और उनके सहारे, उनके बदौलत इतिहास लिखा जाएगा। 2025-26 में जो चीज़ें रहेंगी, पूरी कोशिश होगी, पूरे व्यापक स्तर से उसमें एक बड़ा चीज़ों का एक्सपेंसिव करने का कोशिश रहेगा। अगर कोई भी आप भी भैया कुछ अगर करते हैं तो लोग एक नकारात्मकता या फिर आलोचना भी करते हैं लोग, अगर ऐसा कुछ कृष्णानंद जी के बारे में कोई कहता है तो? हुआ है, विवाद हुआ है और विवाद से नुकसान भी हुआ है। विवाद से नुकसान ही होता है, फायदा तो होता नहीं है। आप किसी से भी विवाद करेंगे तो नुकसान होता है, नुकसान से सीखा भी गया है, सीखा भी गया है और उसकी भरपाई जब चाहे तब हो जाएगा, जब चाहे तब। इतनी क्षमता है, इतनी कैपेबिलिटी है और यह समझ लीजिए कि दुनिया छूट जाएगा लेकिन समाज नहीं छूटेगा। जो कर रहे हैं यह काम नहीं छूटेगा, अगर छूटेगा तो बंद कर देंगे। जो हैं वही दिखेंगे, दूसरा रूप नहीं रहेगा। इसमें आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ा जाएगा। थोड़ी चीज़ें दहिने बाएं होती हैं और मार्केट अपने हिसाब से नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि किसी पॉलिटिकल के साथ हम कहाँ जाते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, किसी के साथ कोई निवेदन नहीं होता है। व्यवहार है अपना, खुद का अपना क्षमता है, उस पर अपना चीज़ें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, यही है। जब से आपने किसान जी इसे शुरू किया, क्या पीछे किसी को देखा आपने तब ये आए? आखिर इसके आपके पीछे है कौन? मैं अकेले हूँ, परिवार है, ईश्वर है, टीम है और काम चल रहा है, काम होगा। सोशल स्तर पे ही जो चीज़ें हैं उसमें अभी तक जो लोग अपनी इच्छाएँ, महत्वाकांक्षाएँ जहाँ जहाँ भी बुलाते हैं, जो भी लोग हमसे उम्मीद करते हैं, उसमें आज तक किसी को ना नहीं हुआ है और ना होगा। अगर आपको सोशल बना रहना है तो
तो फिर आपको उस हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा आपको अपनी चीज़ें कहाँ करें, यानी तो सीमित करिए, रिजर्व रहिए, सीधी बात है। तो वो नहीं होगा लोगों को, जो मेरे हिसाब से जो मेरी कार्य क्षमता है उस पर जो है मदद होगी, अपनी भी चीज़ों को देखा जाता है और जितनी क्षमता है उतना चीज़ों को क्रिएट भी किया जाता है। सामने से अगर कोई कहे कि मैं ये आपको चैलेंज देता हूँ, क्या आप इसे कर पाएंगे, उनका जवाब जो है बातों से नहीं दिया जाएगा। जो चैलेंज करते हैं, मार्केट में आप कोई भी काम कर रहे हैं, छोटा सा भी काम कर रहे हैं, तो चुनौतियाँ हैं और चुनौतियाँ रहेंगी। तो मेरे हिसाब से चुनौती बनी रहनी चाहिए, 12 महीना 24 आवर्स 1 वीक लगातार, तो अच्छा रहता है, काम करने में अच्छा रहता है और सामने वाला मजबूत हो लड़ने में, उससे आप लड़ें, आँख से आँख मिला के लड़ें, अच्छा लगेगा। मैं पीछे ना कभी हटा हूँ ना हटूँगा, सीधी बात है, एक लाइन की बात है, पीछे किसी भी कीमत पर नहीं हटा जाएगा। नैतिकता के आधार पर कंपटीशन चलता है, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, प्रतियोगिता होनी चाहिए, वो चल रहा है वो चलेगा। अंतिम सवाल अगर मैं भी आपसे पूछूं, अगर कृष्णानंद जी किसी को पहचानते भी नहीं है, अगर आया है तो मैं बहुत कुछ मैं जानता हूँ, ऑन कैमरा मैं क्या बोलूँ, लेकिन मदद होती है अगर भले ही आप उससे अपरिचित हैं, फिर भी अगर आया है कि भैया ये है तो वो होता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, दूसरी तीसरी मुलाकात है, कि अगर मेरे पास ऊर्जा रहेगी और मदद उसको नैतिक रूप से आवश्यक है तो वो होगा, किसी न किसी तरह से उसको मैनेज करा के चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा। और मैं आपको इस अंतिम सवाल में ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसको पब्लिकली कहने का बहुत ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अब जो भी होंगी बेहतर होंगी, ज़्यादा होंगी कम नहीं होंगी। कृष्णानंद जी, दीपावली आ रहा है, डाला छठ आ रहा है, जो भी लोग जुड़े हैं कृष्णानंद जी को, जो देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? सबसे पहले दीपावली, धनतेरस, छठ, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं, आपको भी हैं। आप भी पत्रकारिता जगत से सभी सोशल या फिर जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, संस्थाएं हैं, वहाँ जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उन बातों को अपने प्लेटफॉर्म पर, सोशल साइट प्लेटफॉर्म पर रखते हैं। प्रशासन से भी आपका अच्छा एक बॉन्ड है और मैं देखता हूँ ऑलरेडी जो है सोशल साइट पे आपकी चीज़ों को देखता हूँ। और दीपावली, छठ की एक बार दोबारा पुनः सभी को शुभकामनाएँ हैं। और ये छठ हमारे सनातन संस्कृति का, खासतौर से दीपावली, एक उत्साह भरा रहता है, और इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ हैं।